को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। अभी भी कई संकुलों के बाबू को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मानदेय जनरेट कैसे करना है। अभी मेरे पास में एक फोन आया और उन्होंने कहा, सर पोर्टल पर अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन बड़े हुए मानदेय का पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि दीपावली से पहले हमारे संकुल का बड़ा हुआ मानदेय हमको मिल चुका है और पोर्टल पर बिल जनरेट नहीं है। भाइयों, लगातार अतिथि शिक्षक परेशान हैं और अतिथि शिक्षकों के लिए अब एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, वोट डल चुके हैं और अब रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट के बाद में नई सरकार बनेगी या वही पुरानी सरकार बनेगी, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में जो घोषणाएँ हुई थी उनको लेकर अतिथि शिक्षक नाराज हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय महीने की 1 तारीख को मिलना चाहिए। यहाँ पर बड़ा अपडेट, कार्यालय जिला कोषालय निवाड़ी मध्य प्रदेश, निवाड़ी दिनांक 21/11/2023 और क्रमांक देयक 2023-690 प्रति समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। वेतन भुगतान आगामी माह की 1 तारीख को होने के संबंध में। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि भटकते रहते हैं वेतन मानदेय के लिए अतिथि शिक्षक। और यहां पर इसी को लेकर एक आदेश है, आप समझिएगा, सोचिएगा और इसके बाद में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मित्रों, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कोषालय संहिता के अनुसार देयक माह की 25 तारीख से वेतन देयक कोषालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसमें आगामी माह की 1 तारीख को समस्त शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जा सके। परंतु देखने में यह आ रहा है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी वेतन देयक समय रहते कोषालय में प्रस्तुत नहीं करते, जिस कारण कतिपय शासकीय सेवकों को वेतन माह की 1 तारीख को भुगतान न होकर माह की 10 तारीख या उसके पश्चात तक किया जा रहा है। अतः समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि कोषालय संहिता 2020 नियम 109 का पालन करते हुए कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों का वेतन देयक माह की 25 तारीख से 29 तारीख तक कोषालय में प्रस्तुत किए जाएं। अन्यथा की स्थिति में वेतन भुगतान में विलंब की स्थिति निर्मित होने पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदेही होगी। BLO यहां पर आप देख सकते हैं, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय निवाड़ी मध्य प्रदेश, दिनांक 21/11/2023। आयुक्त कोषालय एवं लेखापाल भोपाल मध्य प्रदेश की ओर से सादर संप्रेषित, कलेक्टर महोदय जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश की ओर से सादर संप्रेषित, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा सागर संभाग सागर मध्य प्रदेश की ओर से सादर सूचनार्थ BL पारासरी और वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय निवाड़ी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये अपडेट है और अभी भी अतिथि शिक्षक मानदेय से वंचित हैं। ऐसी स्थिति में उन कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए जहाँ पर अतिथि शिक्षकों को वेतन 3 और 4 महीने से नहीं मिला है, कहीं फीडिंग नहीं हुई है और कहीं कुछ परेशानी बनी हुई है। आखिरकार ये विडम्बना कब सुलझेगी? लेकिन भाइयों, अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती है। मित्रों, आप सभी कैसे हैं जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।